सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे नए एक और ब्लॉग में। यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 5 और अभी आज मैं उठी हूँ जल्दी। बाकी टाइम इतना जल्दी नहीं उठती हूँ, अभी जल्दी उठी थी। तबियत खराब है तब से नहीं उठती जल्दी, वरना पहले जल्दी ही उठती थी। अभी नहीं उठ पाती हूँ सुबह जल्दी में। तो यहाँ पे सुबह कुल्ला ब्रश करने के बाद मुझे किचन जाना था। यहाँ पर फटाफट कुल्ला ब्रश कर लेती हूँ। मशीन में यहाँ पे कपड़े डाले हुए हैं धुलने के लिए, क्योंकि ना 5 से 6 के बीच में 1 घंटा जितने भी कपड़े धुलेंगे वो धुल जाएंगे, बाकी जब 10 बजे लाइट आएगी तब धुलेंगे। तो यहाँ पे धुलने के लिए रखिए उसको, कपड़े धुले जाएंगे। तो उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे कुल्ला ब्रश करने के बाद झाड़ू लेकर किचन में जाऊँगी, किचन में झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर अभी नाश्ता बनाना है। बच्चे स्कूल जाएंगे उनके लिए और हस्बैंड लेके जा रहे हैं खेत में जा लेने के लिए, चारा लेने के लिए। तो उनके लिए चाय बना के देनी है, तो यहाँ पे चाय बना दी है उनके लिए। और वो नीचे हैं तो वहाँ पे बाल्टी में, जब मैंने बाल्टी लगाई हुई है वहाँ पे लटकाई हुई है, वहाँ पे रख दूँगी चाय, वो वहाँ से उठाकर पी लेंगे। जल्दी उठने का रीजन ये था कि राधाअष्टमी का जो व्रत मैंने रखा हुआ है कल से, वो आज यहाँ पे पारण करना है। और मैं क्या हुआ, सुबह 3 बजे मैं उठी, मैंने अलार्म लगा के सोई थी। मैं रात मेरी आंखें खुली कि मुझे जल्दी उठ के नहाना होता है, तो 4 बजे राधाअष्टमी है जैसे कि, तो 4 बजे यहाँ पे राधा रानी को स्नान कराना होता है, पंचामृत से उनका अभिषेक करना होता है और भोग लगाना होता है। तो मैं क्या हुआ, मैं उठ तो गई, मेरी आँख खुल गई, मेरे मन में मतलब दुविधा चल रही थी कि मैं उठ जाऊँ ना उठूँ, मैं उठ जाऊँ ना उठूँ। तो लेकिन मेरे मन में ये आ रहा था कि नहीं, बच्चों को मैं रात में जगाऊंगी उनकी नींद खराब होगी, और उनको रात में अगर नहलाया तो ठंड लग जाएगी। तो ये मन में भाव चला था। ऐसे करते करते सोचते सोचते मैं उठी नहीं, मैं लेट गई कि नहीं, नियम अपनी जगह है, बच्चों की जो कम्फर्ट है वो अपनी जगह है। तो मैं नहीं उठी, मैंने सोचा कि सुबह के टाइम में उनको नहलाऊंगी, उनकी नींद खराब होती है, उनकी आदत बनी हुई है लेट तक सोने की, तो वही। तो अभी यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे ये जो जब होता है पीने का पानी भरने के लिए, यहाँ पे भर के रख दूँगी, क्योंकि लाइट जाने वाली है, लाइट जाने का टाइम हो गया। यहाँ पे ना सुबह के टाइम बच्चों की बोतल और ये जग को भर के रखना होता है, और बच्चों के नहलाने के लिए पानी भरना होता है, यानी गोपाल जी के लिए ताज़ा पानी भर के रखती हूँ बाल्टी में अलग, जो भी भरने वाली है। यहाँ पे ये पीने का पानी यहाँ पे भर के रख दिया है, और अभी यहाँ पे इस बाल्टी में रखती हूँ पानी भर के उनके नहलाने के लिए, बाद में इससे बाद में नहलाऊंगी। बच्चों को स्कूल भेज दिया है, लंच वगैरह उनका सब कुछ बना के नाश्ता सबको करा दिया है, और अभी यहाँ पे पूरा घर साफ कर लिया है। फटाफट झाड़ू पोछा, यहाँ पे पहले घर को साफ करना होता है, झाड़ू से फिर पोछा लगाती हूँ। कभी कभी कम गंदा होता तो कर लेती हूँ ऐसे भी। अभी यहाँ पे मैं खुद नहा के आ गई थी, बहुत छोटे छोटे काम थे बीच में वो सब किए थे। आज थोड़ा था ना तबियत थोड़ा डाउन से फील होती, तो मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया, बस फटाफट से काम किया। बच्चे यहाँ पे नहा धोकर रेडी करके बैठा दिए, देखो हमारी प्यारी जो कितनी सुंदर लग रही, चंद्रिका भी लगाई है आज तो। और बच्चे यहाँ पे अपने अपने आसन पे रेडी होकर बैठ गए हैं। हमारी लाडो ना बहुत सुंदर है, इनका श्रृंगार मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ, ड्रेस भी खुद सिलती हूँ, और कुछ लेके भी आती हूँ रेडीमेड। अभी यहाँ पे आ गया मंदिर में पूजा करने के लिए। यहाँ पे अपनी अपनी जो हमारी राधा रानी जो ठाकुर सरकार है वो उनको यहाँ पे विराजमान किया हुआ है, उनको बधाई देने के लिए उनके जन्म दिवस पर। तो अभी यहाँ पे मंदिर में पूजा कर ली, यहाँ से फिर जाकर बच्चों को भी धूप देनी है अंदर, वहाँ पे जो हाँ बच्चे बैठे हुए हैं बच्चों को मैं बैठाती हूँ मंदिर में, अब कम बैठाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतनी मंदिर में इतना स्पेस नहीं है बड़े बाबू के लिए। जब छोटे बच्चे थे तो उनको वहाँ पे बैठाती थी, लेकिन जब से बड़ा केशव आया है तब से उनको वहाँ पे नहीं बैठाती, बहुत कम बैठाती हूँ। कभी कभी जब कभी एकादशी होती है तो कभी कभी बैठा लेती हूँ। यहाँ पे बच्चों को धूप आरती दे दी है, उनके लिए कुछ मीठा बनाया था खाने के लिए, वो भी उनको वो भी इतने सारे बर्तनों का ढेर लग गया है, मुझे अभी ना ये साफ करना है खाना बनाने के बाद। वो तो सुबह है ना कुछ बर्तन साफ कर दे कि बस, अभी तो ना इसमें बड़े बर्तन नहीं है, छाए वाले या जो दूध की बाल्टी वगैरह होती है, नहीं तो बहुत बर्तन होते हैं। बज रहे हैं शाम के 5:30, अभी बाहर आई हूँ। कुछ कपड़े तो पहले जो मैंने धोए थे ना, तो ये बारिश आ गई थी, बार बार बारिश आई जा रही थी, मैं सुखाती बारिश आती फिर उतारती फिर इनको सुखाती, यही चल रहा था। तो मैंने फिर ये रख ही दिए उतार के, फिर मैं उधर के लिए लेट गई थी, तबीयत थोड़ी खराब सी फील हो रही थी। अभी इनको देख रही हूँ बाहर, अभी भी मौसम खराब ही है, कोई साफ नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ सुखाऊं ना सुखाऊं, देखती हूँ। लेकिन सुखाने तो पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर इनको ऐसे रख दूंगी तो उसमें बदबू सी थोड़ी सी स्मेल सी आने लग जाएगी, तो सुखाने तो पड़ेंगे ये, देखती हूँ। अगर आएंगे भगवान जी तो फिर उठा लूंगी। तो अभी आज का व्लॉग तो कुछ ज़्यादा खास नहीं हो पाया, फिर भी इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।